So friends, I am currently on terrace of hotel and just check it out the view. Wow. Hello friends, welcome back to channel and very first episode of Taste of North India Ride. Bike is all set. Let me show you how I mount the luggage on top luggage plate. So ye rahi apni bike. Let me do the cold start. Odometer is set to zero and it is the first crank. Ye apni tank bag cloth use kar liya hai. Pillion make a comfortable seat. You can see how comfortable it is. Wow. So ye rahi apni Rhinos ki tail bag. इंडिकेटर्स टोटली सेफ, देख सकते हो कितना बड़ा गैप है. इवन यहाँ पे भी टेल लाइट इज विजिबल, इंडिकेटर्स टू. सो ये बैग कुछ ऐसे माउंट की है स्टेप्स के साथ विद बंजी कॉर्ड और ऑल्सो उसके ऊपर ये स्मॉल बैकपैक माउंट किए. सो दोनों को टाइट किया है विद बंजी कॉर्ड. अराउंड टोटल वेट ऑफ दिस लगेज इज मोर देन 15 kg. वी जस्ट कैलकुलेट द वेट बिकॉज वी हैव टू टेस्ट दैट टॉप प्लेट. सो It's already 4:09. So we are 9 minutes late. To meet you on road. So friends, it's 4:15 and we have started our North India ride officially. So one thing is clear that if you guys are able to watch this vlog, that means I have successfully completed my taste of North India ride. Taste of South India तो already हमने complete की है. So if you guys haven't watched, I will provide the link in I button now. Just check it out. अभी तक gloves पहने नहीं है मैंने because it's drizzling. So आगे जाके देखते हैं. So destination तो मैंने बताया नहीं अभी तक. So our first destination is Udaipur, which is approximately 760 km from my location. So as per Google, it will take more than 13 hours. I have calculated as 15 hours. So अभी बच चुके हैं 4:16. So I guess अगर बारिश धोखा नहीं दिया तो वी शुड बी रीच अराउंड शाम के 7 बजे तक एट उदयपुर. लेट्स सी एज इट इज़ रेनिंग कंडीशन. सो आई एम नॉट गोइंग टू रेव बाइक टू मच बिकॉज अंधेरा है और आई डोंट नो कहाँ कहाँ पे पॉटहोल्स हुए हैं. सो जहाँ से हम मैं जाऊँगा थाने से घोड़बंदर रोड, उसके बाद फाउंटेन होटल एंड उसके बाद NH8 लगेगा हमें एज अहमदाबाद हाईवे. सो फ्रेंड्स, वी रीच घोड़बंदर टोल नाका. यार ये जो ट्रैफिक है वो पास थाने से अराउंड मोर देन 35 मिनट्स हम लोग इस ट्रैफिक में थे. फाइनली टोल बूथ के यहाँ पे तो आ गए मगर स्टिल आगे जो फाउंटेन का सिग्नल है वहाँ तक ट्रैफिक जाम है और ये बारिश बहुत ज़ोरों ज़ोरों से गिरने को चालू हो गई थी. अभी जस्ट रुकी है तो आई जस्ट थॉट टैंक बैग के ऊपर कवर डाल दिया और मैं भी खुद रेड पैंट्स पहन लूँ. आई डोंट नो गेट 3 मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है. आई थिंक वो टिकट प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ था. आप देख सकते हो मेरी हालत, पूरा फेस पानी में भीग गया है. बहुत बारिश थी और उसके ऊपर ये बहुत बड़ा लंबा से लंबा ट्रैफिक. लेट्स सी, अभी गेट 3 तो मैंने रिमूव करके रख दिया है. लेट्स सी आगे जाके अगर बारिश कम होती है. सो आई विल ट्राई टू चेक इट आउट व्हाट द प्रॉब्लम विद इट, अदरवाइज आई विल इंस्टॉल गेट 2. लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, टोल बूथ के जस्ट 5 मिनट आगे रेड की बाइक और वापस ये देखिए हालत, सब कुछ बंद है. इवन ये बस भी सब बंद करके बैठे है पब्लिक. लुक एट दिस ट्रैफिक, दूर दूर तक है यार, गाड़ी हिल ही नहीं रही है. डोंट नो व्हाट हैपन देयर. स्टक हियर फ्रॉम पास मोर देन 25 मिनट्स. और कितना टाइम लगेगा पता ही नहीं यार, हिल ही नहीं रही गाड़ियाँ तो. 2000 years later. So friends, reach exactly to the border of गुजरात महाराष्ट्र. ये टोल बूथ है RTO चेक नगा फ्रॉम फाउंटेन होटल, जहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक में अटका था फ्रॉम पास 1.5 घंटा. मौसम चलाई बाइक और यहाँ पे आया हूँ. अभी बारिश बहुत गिर रही है. लेट्स सी, आई कुडंट शूट एनीथिंग बिकॉज गेट 3 चालू नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्टॉल गेट 2 और मैं उसके अंदर से बात नहीं कर पाएंगे. सो आई हैव टू गिव वॉइस ओवर. लेट्स सी, नाउ लेट मी शो यू द बाइक. ये रही बाइक, बैक स्टिल इंटैक्ट है, इंडिकेटर्स आर स्टिल इंटैक्ट, कुछ इशू नहीं है. शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल यार,
इतनी ट्रेन में ब्रेक्स एंड ऑल परफेक्ट. फ्रेंड्स वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस. अब देख सकते हो बारिश. It's around 11:30. I have reached the Narmada Toll Plaza. उसके आगे भरूच का जो फ्लाईओवर है, which is just like mini sitting for me. उसके selfie stick वाले वीडियो आपको अभी आगे देखने को तो मिलेंगे. Now it's time to have some energy bars. Also अभी यहाँ पे देख सकते हो, total sky open हो चुका है. यार बीच में बारिश, बीच में कड़ी धूप, समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है. आई थिंक दो तीन बार तो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, वापस सूख चुका हूँ. Let's see अभी आगे क्लाइमेट कैसा है. अगेन आई कनेक्टेड माई गेट 3 बैक. लेट्स सी, चालू तो हो रही है. जैसे मैंने इंटर किया वहाँ पे ना बारिश टोटली चली गई और यहाँ पे कड़क धूप खिली है. देख सकते हो ब्लू स्काई भी विजिबल है एंड वाइट क्लाउड्स है. रोड्स के बारे में बात करता हूँ बॉस. क्या ब्यूटीफुल रोड्स है यार. मुझे कर्नाटक के रोड्स याद आ गए यार. सुपर्ब रोड्स है. बहुत मज़ा आ रहा है गुजरात में जैसे इंटर करने के बाद बाइक चलाने में. ऑल्सो पेट्रोल रेट्स, पेट्रोल बहुत सस्ता है यार मुंबई के कंपैरिजन में. 8 रुपीज़ का डिफरेंस है. 8 रुपीज़ मुंबई में है 78 रुपीज़ और यहाँ पे है 70 रुपीज़. तो करंट टाइम इज़ 9:59, अराउंड 10 बजने को आया और डिस्टेंस मैंने ट्रैक कवर किया है 239 किलोमीटर. सो एग्जैक्टली डेढ़ घंटा टाइम के पीछे हूँ मैं. एग्जैक्टली डेढ़ घंटा मेरा वेस्ट हो गया थाने में. सो पहले मैंने कैलकुलेट किया था कि 7 बजे तक पहुँचेंगे. अब सी 8:30 भी बच सकते हैं. सो दैट्स वाई जब भी टाइम मिल रहा है मैं बाइक क्रूज कर रहा हूँ. ऑल्सो लगेज प्लेट की बात करता हूँ. लगेज प्लेट परफेक्टली काम कर रहा है. बाइक वहाँ पे माउंट करने के बाद ज़रा भी नहीं हिली है. टेल बैग इस वो है वो पोजीशन में बैठी हुए है. सो स्टिल अभी तक की जर्नी में लगेज प्लेट मुझे वर्थ लग रहा है. लेट्स सी, अभी तो फर्स्ट दिन है. और फ्रेंड्स ये लगा है हमें सूरत का ट्रैफिक. लास्ट 7-8 मिनट से ऐसे चला रहा हूँ. नसीब साइड में जगह छोड़ के रख पार्क किए. डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ है. जिसको पता है वो तो सर्विस रोड भी यूज़ कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स फॉर वडोदरा सिटी ये रोड गया अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू डू द बाईपास वडोदरा सिटी एंड उसके बाद हलोल के लिए रोड आएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, वो लेना है. बट उसके पहले एक बार पेट्रोल भरा लेंगे बिकॉज सिर्फ 3 डंडी दिखा रहा है. एंड राजस्थान में गुजरात से पेट्रोल थोड़ा महंगा है, 3 रुपये का डिफरेंस है. सो व्हाई नॉट गुजरात में भर ले, क्योंकि अभी हम गुजरात को बाय बाय बोलने वाले हैं. सो आफ्टर सम ऑफ द किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू एंटर इन राजस्थान. राइड के पहले ही दिन में 2 स्टेट्स विजिट कर लिए, नॉट बैड. सो फ्रेंड्स फ्रॉम यहाँ से हमें लेना है, यू कैन सी लेफ्ट फॉर हलोल. द हलोल इज 35 किलोमीटर फ्रॉम हियर. तो इस रोड पे हमें जाना है फॉर 18 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे हम भराते हैं पेट्रोल. सो फ्रेंड्स इट्स 1:49. पेट्रोल फुल हो गया है और अभी हमारी डेस्टिनेशन है 302 किलोमीटर फ्रॉम हियर. और गूगल हमें बता रहा है इसके लिए लगेंगे 6 घंटे 20 मिनट. सो अराउंड रीचिंग टाइम बता रहा है वो 19:58. आठ पकड़ लो आप. सो नाइट राइडिंग तो होने वाली है ही, क्या करें, अवॉइड नहीं कर सकते. मॉर्निंग का 1.5 घंटा बहुत भारी पड़ा यार. सुबह 4 बजे निकल के कुछ फ़ायदा हुआ नहीं. रोड तो मुझको NH 48 से ही अच्छे लग रहे हैं यार. हरियाली है बीच में, मुझे लगा था रोड इतना खास नहीं होगा. रोड्स तो अच्छे हैं बट 2 लेन है. बाय द वे इट्स 33 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है यहाँ पे. सो सुबह तो राइड की स्टार्ट की थी एकदम कोल्ड में, एकदम भारी बारिश में, और राइड अब कंटिन्यू कर रहे हैं सुपर हॉट कंडीशन में. फ्रेंड्स लुक एट दिस व्यू मैन. वाह,
अब लग रहा है हम आए हैं गुजरात राजस्थान में। पूरा पानी भरा हुआ है कचाकच, इनसे सावधान रहना है बस, कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं आपके रास्ते में। 17 किलोमीटर्स मुझको ऐसे चलना है। गूगल माता भी कहाँ कहाँ से अंदर से लेके जाती है ना, कभी कभी तो बहुत मज़ा आ जाता है। 17 किलोमीटर जाना है और रेलवे ट्रैक्स वहीं पे हैं, स्ट्रेट लाइन में रेलवे ट्रैक्स है। अभी जैसे कि एक्सप्रेस पास हुई वहाँ से तो हम लोग को पता चला यार रेलवे ट्रैक इतने पास में, तो क्या ब्यूटीफुल व्यू मिलता रहेगा यार। मौसम यार ये ग्रीनरी सुपर। एक्चुअली ये जो रोड है इट इज़ द नेम ऑफ दिस रिवर इज गोमा, सो इट इज़ बाईपासिंग द गोधरा सिटी। तो फ्रेंड्स वो 17 किलोमीटर था, उसके बाद 22 किलोमीटर का और रिवर थी। वो सब फिनिश करने के बाद अभी हमें गूगल लेके आया है गोधरा सिटी को बाईपास करके गोवा के हाईवे पे। अभी ये हाईवे है, इसके ऊपर हमें लगाएगा ये। यार कभी कभी कमाल का काम करता है, क्या नज़ारा था यार। बट कभी कभी स्क्रू भी करता है गूगल, आंटी के मूड पे लगता है। टाइम टू रेव द बाइक, स्टिल 246 किलोमीटर जाना है और टाइम हुआ है 2:59, दैट मीन 3 बजे। यहाँ पे सब डोंकी घूम रहे हैं, अभी तक सब गाय बफेलो घूम रहे थे, यहाँ पे रोड पे डोंकी घूम रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगेन गूगल टेकिंग अस फ्रॉम इनसाइड रोड, उसी बहाने से अंदर की पॉलिटेक्निक कॉलेज तो देखने मिला। जॉगी वेयर आर यू गोइंग यार, होटल ढूंढ रहा है यार, होटल ही नहीं दिख रहा है रास्ते पे। गूगल जो है अंदर के रास्ते से लेके जा रहा है, अभी तक खाना नहीं खाया हमने। ओ नो, क्या है सब प्लास्टिक, शे इतनी सारी गाय। गाइज व्हाट आर यू डूइंग गाइज, ओ कैसी गया यार, लगान पिक्चर की याद आ गई मेरे को। अभी हमें इस रोड पे जाना है 24 किलोमीटर्स टू बाईपास द विलेज कॉल मोदसा। गूगल यार हाईवे पे लेके जाता ही नहीं मुझको, अंदर अंदर से लेके जा रहा है। रोड को ऐसे कट गया है ऐसा लगता है, और टायर उसके अंदर फंस जाएगा तो व्हील इम्बैलेंस हो रहा है। कैसे रोड बनाया यार ये, वाओ आर दे नील गाय और सांबार, सुपर्ब यार, प्रस्तुति घूम रहे। स्टिल 12 किलोमीटर्स टू गो, वहाँ पे अंधेरा होने लगा है। और ये रोड यार बहुत सुनसान है यार, रात के टाइम का तो हालत लग जाएगी। फटाफट खा लेते हैं और निकलते हैं। तो करंट एस्टिमेट टाइम इज 8, आफ्टर इट फिनिशिंग द फूड इट विल बी 9, हू नोस, दैट मीन्स नाइट राइड इज ऑन। फ्रेंड्स मस्त पेट पूजा हो गई, 5 बजे खाया है खाना। क्या करे, शेवपुरी पाव भाजी एंड मसाला डोसा फॉर लंच। सो अभी टाइम हुआ है 5:49, 153 किलोमीटर जाना है एग्जैक्टली, गूगल दिखा रहा है 3 घंटा। सो दैट मीन वी विल रीच 20:50, दैट मीन 8:50, 9 बज जाएंगे। डोंट नो क्या हुआ है कैमरे को यार, बात कर रहा था बीच में ही बंद हो गया। आई थिंक वो पानी चला गया है अंदर उसके, लेट्स सी अगर अभी हवा से अच्छा हो जाए। कितनी शांति है यहाँ पे सर, कितना सुकून मिलता है यहाँ पे आके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन दिस व्लॉग। सो एट दैट टाइम इट वॉज 5:45, सो वहाँ से हम लोग निकल गए। रोड एकदम घटिया है, एकदम घटिया, रोड के ऊपर टोटली काम चालू हुआ है। रोड्स जो है जो मुंबई के जैसे पोर्टहोल्स में पेवर ब्लॉक डाल के रखे हैं, सो यू नेवर नो कहाँ पे कब आपको पोर्टहोल मिल जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट आप बाइक ज़्यादा भगा नहीं सकते थे। ऑल्सो ड्यू नाइट राइडिंग आई डिडंट प्रीफर टू रेव अ बाइक मच,
एक तो उसके अंदर कोई रोड नहीं दिख रहा था, अपोजिट साइड की जो ट्रक्स और बस आ रही थी उनकी जो हेडलाइट्स थी वो टोटली हाई बीम पे थी। सो आगे का रोड भले अपने आ रहा था कि प्रोजेक्टर हेडलाइट होने के बाद कुछ नहीं हो रहा था। और फिर अराउंड 100 किलोमीटर्स बिफोर उदयपुर इट स्टार्टेड अगेन है रेनिंग हेवीली। सो यार आप एक तो देख लो रास्ता नहीं दिख रहा उसमें से हेवी रेन्स, तुम कैसे बाइक चलाई मुझे पता है। सो वी रीच उदयपुर अराउंड 8:45, होटल रूम में चेक इन कर ली, खाना भी नहीं खाया, डायरेक्टली वी जस्ट स्लेप्ट। कुछ पावर ही नहीं थे अपने अंदर कि ये व्लॉग एंड करे। सो आई जस्ट थॉट नेक्स्ट डे उठ के आप लोगों को तो पूरा एक्सप्लेन कर लेते और ये व्लॉग क्लोज कर लेते। सॉरी फॉर वेरी शॉर्ट व्लॉग्स, सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, आई कुडंट डू एनीथिंग। नेचर की चीज़ अपने आप में कुछ है नहीं। सो इफ एनी हाउ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो, आज से ब्यूटीफुल व्लॉग चालू हो जाएंगे। सो ऑल्सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम है नहीं, होटल से तो हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, इट्स 10:30 ऑलरेडी। तो सामान लगेज रूम में रख दिया है और नाउ वी आर टूरिंग सम प्लेसेस। बाय बाय। ओ सर वो गाड़ी गिर जाएगा उधर, सामान कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को। अरे भाई साहब अब आपके ऊपर गिर जाएगा यार।